ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੈਸਟਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੀਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਰ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, कनाडा हाई कमीशन कंटिन्यूसली वीजा दे रहा है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, बशर्ते कि आप किस तरीके से फाइल रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आंख मीच के तो एम्बेसी वीजा नहीं देगी। अगर एक चंदा कंसल्टेंट है और अच्छे तरीके से स्टूडेंट की प्रोफाइल को पुट किया जाए तो वीजा चांसेस हाई होते हैं। और इवन के रिफ्यूज स्टूडेंट्स को तो मैं हमेशा एक ही चीज के लिए इनवाइट करता हूं कि आप आरसीआईसी रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प लें और उसकी हेल्प से अगर आप फाइल लगाएंगे तो इट विल बी बेटर और हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, बार बार देखो, दर्शकों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं आरसीआईसी हूं या हमारे पैनल में आरसीआईसी है इसलिए ये बड़े गुणगान गा रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स के साथ चलना होगा। मैं लाइफ में झूठ बोलने में बिलीव नहीं करता, मैं सच्चाई पे चलता हूँ। मेरा ये फैमिली बिजनेस है और सच्चाई के साथ चल चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं, आपको पता है सारी चीजों को, क्या भला है क्या बुरा है। कैनेडा हाई कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे खुद लिखा है कि बी वेयर ऑफ एजेंट, फ्रॉडुलेंट एजेंट से बचे। ठीक है, उन्होंने यहां पर यह भी लिखा है कि भाई आप किन किन कंसल्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब वो रिकमेंड करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि आरसीआईसी रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो कि वहां की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंसल्टेंट है, उनको ही एम्बेसी मतलब एक तरह से रिकमेंड करती है कि उनकी फाइल लेके आप वीजा ले सकते हैं। इस मतलब चार पांच मिनट में मैं एक ही बात करूंगा कि बच्चे कैसे वीजा ले सकते हैं। मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरी कैलकुलेशन में कि जिनको हम रिफ्यूज स्टूडेंट्स को एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार रिफ्यूज दें, उनका वीजा ले चुके हैं थ्रू आरसीआईसी, थ्रू कैनेडा रूट। मतलब या एक लोकल एजेंट फाइल लगाता है तो वो स्टूडेंट के बिहाफ पे लगाता है, स्टूडेंट का जीसी की लॉगिन और उस पर फाइल पुट कर देता है। एम्बेसी को पता ही नहीं होता कि इस फाइल के पीछे कौन है। लेकिन दूसरा जो आरसीआईसी है वो अपने पोर्टल से, अपने जीसी की अकाउंट से स्टूडेंट की फाइल लॉज करता है और रिकमेंड करता है कि भाई इस स्टूडेंट्स को वीजा मिलना चाहिए। तो हाई कमीशन आरसीआईसी को हमेशा प्रमोट करती है और आरसीआईसी के थ्रू अगर फाइल लगती है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका वीजा लगेगा। जी, ठीक है। और सर, अगर हम रिसेंटली प्रोफाइल्स की बात करें तो जिन स्टूडेंट के वीजास आए हैं उनके बारे में जी देखिए, गुरजोत सिंह है, जलंधर से बच्चा बिलोंग करता है, 12th की थी 2021 में। इसके बाद इसने दो बार इसका ऑलरेडी रिफ्यूज है, एक बार 2022 में और एक बार 2023 में, ठीक है, रिफ्यूज हुआ था। रिसेंटली ही गॉट द वीजा। इसकी प्रोफाइल जैसे मैंने बताया, 12th है, 2021 पास आउट है, एम्बेसी दो बार वीजा रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट ने हमें अप्रोच किया, हमने अपने कनाडा वाले ऑफिस से इसको रूट किया आरसीआईसी मेंबर के थ्रू। आरसीआईसी जो होते हैं ना वो स्टूडेंट के साथ रिटेनर एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और वो रिटेनर एग्रीमेंट एक तरीके से उनके रिकॉर्ड में रहता है, वो अपना एम्बेसी को दिखाने के लिए, भाई मतलब वो कोई भी जो भी सर्विसेज देंगे ना तो रिटेनर एग्रीमेंट होगा ही होगा। तो ये बच्चा था, इसका दो बार रिफ्यूज हुआ और इसके बाद एल्गोनक्विन कॉलेज में इसको हमने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन मई 2023 इनटेक के लिए इसकी फाइल पुट की एंड इस बच्चे का दो बार रिफ्यूजल के बाद थर्ड टाइम इस बच्चे का वीजा आया विद आरसीआईसी। जी जी, नेक्स्ट बच्चे की नेक्स्ट बच्चे की बात करें तो नेक्स्ट स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक बार कैनेडा स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट है इसका, सिद्धार्थ सिंह नाम है, सोनीपत से ये बच्चा बिलोंग करता है, मेरे सोनीपत ऑफिस के थ्रू इसकी फाइल लगी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसने सिविल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद एमबीए की थी
और इसके बाद इसका शिरोही कैमटेक प्राइवेट लिमिटेड में इसका सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का वर्क एक्सपीरियंस था 7.5 बैंड नॉलेज देन 6.5 थे। केप ब्रिटोन यूनिवर्सिटी में इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मई 2023 के लिए इस बच्चे का वीजा आया थ्रू आरसीआईसी पोर्टल। एक स्टूडेंट्स की ओर बात करेंगे, राघव शर्मा। राघव शर्मा अंबाला ब्रांच से बिलोंग करता है, 12th नॉन मेडिकल 2022 में की थी। और इस बच्चे का दो बार कनाडा का स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट था, दो बार। तो कनाडा और कॉलेज में हमने इसकी फाइल लगाई कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग मई 2023 इनटेक के लिए थ्रू आरसीआईसी पोर्टल। फाइनली ही गॉट द वीजा, इस बच्चे का वीजा लगा है। दीपक खापरा है जो कि अगेन अंबाला से ही बिलोंग करते हैं, अंबाला ऑफिस से इनकी फाइल लगी थी, 12th 2021 की में है, 7 बैंड नो लेस देन 6, 3 टाइम कनाडा रिफ्यूज, 3 बार कनाडा रिफ्यूज ये बच्चा। अगेन वेस्टर्न ओवरसीज के कनाडा ऑफिस के थ्रू इसकी फाइल पुट हुई, आरसीआईसी मेंबर के थ्रू, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू। और बच्चे की फाइल लगी थी सेंट लॉरेंस कॉलेज में बिजनेस प्रोग्राम में मई 2023 के लिए। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो ये बच्चा 3 बार जैसे मैंने बताया रिफ्यूज था, बहुत ही होपलेस हो चुका था कि सर मुझे वीजा चाहिए। मैंने कहा भाई देखो वीजा तो ऐसा नहीं है कि मैं एम्बेसी हूं, बट हम बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं। तो आरसीआईसी के थ्रू इसकी रूट की फाइल, तो फाइनली ही गॉट द वीजा। लास्ट स्टूडेंट की ओर बात करते हैं, ये बच्चा 2 बार रिफ्यूज था मई इसमें 2022 में, 2022 में 2 टाइम कनाडा रिफ्यूज था। रूबलप्रीत कौर नाम है, चंडीगढ़ ब्रांच से इस बच्चे की फाइल लगी थी। बच्चे ने जो एजुकेशन थी रूबलप्रीत की, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन में थी 2021 में, 6 ईच बैंड थे। और इस बच्चे की सू कॉलेज में फाइल लगी थी बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में सितंबर 2023 इनटेक। 2 बार रिफ्यूजल के बाद तीसरी बार इस बच्चे का वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू वीजा आया, अगेन आरसीआईसी मेंबर की हेल्प के थ्रू, मतलब रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो आप इस चीज को कान खोल के सुन लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप रिफ्यूज्ड स्टूडेंट हो और कनाडा पढ़ना चाहते हो तो आरसीआईसी की हेल्प लें। इट्स रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स हु वांट टू स्टडी इन कनाडा, कि आप आरसीआईसी की हेल्प लीजिए और उसके थ्रू फाइल लगाइए। वो आरसीआईसी आपको कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगा कि आपको आपकी नैया पार करा दे, आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। वेस्टर्न ओवरसीज के पैनल पे आरसीआईसी है, हमारे कनाडा में 2 ऑफिस है। मैं ये नहीं कहता आप वेस्टर्न ओवरसीज से ही फाइल लगाएं, बट मेरी ये सजेशन है, एक अच्छा कंसल्टेंट और जिसके पैनल पे अगर आरसीआईसी है या खुद आरसीआईसी है तो वेल एंड गुड है। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं कि जी हम आरसीआईसी हैं, हमारे पैनल पे आरसीआईसी हैं, होता कुछ नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न ओवरसीज आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, अंकित कुमार है वो आरसीआईसी मेंबर है। इसके अलावा और बहुत सारे पैनल, इवन के हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में भी आरसीआईसी है, ठीक है, और आज आप मिले भी हैं उससे। तो वेस्टर्न ओवरसीज स्टूडेंट वीजा के अलावा टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, स्पाउस वीजा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा, डायरेक्ट पीआर, इन सब में डील करता है, ठीक है। स्टूडेंट वीजा तो हम पहले से ही करते हैं, लेकिन ये सारे जो अदर इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम है सिर्फ वही कंसल्टेंट कर सकता है जिसके पास रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो। तो रिक्वेस्ट है कि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक अच्छे कंसल्टेंट, चंगे कंसल्टेंट के थ्रू अपनी फाइल लगाए, तो पॉसिबिलिटी हाई रहती है कि कहीं ना कहीं आपके फेवर में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, सो नक्शल में बात करें तो वीजा जो है सारी कैटेगरीज के आते हैं, लेकिन अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन वालों को प्रदीप सर ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि अगर आप आरसीआईसी की हेल्प के थ्रू अपनी फाइल को पुट ऑन करते हैं तो कितने ना कितने थोड़े बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हाई वीजा सक्सेस रेट जोड़ा है उन्हें मेनटेन कर। थैंक यू प्रदीप जी नाल जुड़न दे ली और आरसीआईसी मेंबर दी इंपॉर्टेंस एक बारी फिर तो साडे दर्शकां नाल डिस्कस कर ली पाऊंगे। थैंक यू, थैंक यू। असीं फिर तो हाजिर होंगे जेकर कैनेडा रिजेक्ट हो चुके हो एक बार तो लेके 4-5 या जिन्नी बार मर्जी, एक बारी तुसीं वेस्टर्न ओवरसीज दी नियरेस्ट ब्रांच विच विजिट करो विद आरसीआईसी मेंबर दी हेल्प नाल, थोड़ी फाइल नूं सही तरीके नाल रिप्रेजेंट किया जाएगा और थोड़ी जिहड़ी रिजेक्शन है उन्हें अप्रूवल दे विच चेंज कराउण च वेस्टर्न ओवरसीज तुहाडी मदद जरूर करेगा। हाजिर होवांगे, ध्यान रखो जी, सत श्री अकाल।